अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हाई 2018 जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन है और ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, और इसी के साथ ही हजात की पाकिस्तान वापसी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन ये वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से के लिए बहुत सी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप लोगों की हर दुख दर्द तकलीफ़ परेशानी दूर करे, नेक औलाद अता करे और हर बीमार को शफा दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और नेकी करने की तौफीक अता करे। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और बहुत सारी वीडियोज़ ज़ियारत और हज और इस्लाम से रिलेटेड पहले भी अपडेट करता रहा हूँ और अब आगे भी करता रहूँगा। तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मैं अब वीडियो के हज ऑपरेशन के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हज है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो 27 अगस्त आएगी, तो इस दिन तकरीबन 4 फ्लाइटों के ज़रिए 925 हजार जो है ना वो वापसी होगी उनकी पाकिस्तान में। तो उनमें एक जो फ़्लाइट फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि ये इस्लामाबाद जो फ़्लाइट जा रही है वो जा रही है, अल्लाह खैर करे, आपकी सऊदी एयरलाइन की, और जिसका जो तकरीबन 3:25 पर पहुँचेगी इस्लामाबाद एयरपोर्ट में। ऐसे ही एक फ़्लाइट जो PK3002 है, जो PIA की है, वो जा रही है पेशावर में, और ये भी तकरीबन 3:27 पर दोपहर को पहुँचेगी पेशावर में। ऐसी अब फ़्लाइट जो है वो टाइम बाई टाइम चलती रहेंगी। अब कुछ लोग पहले आए थे, कुछ लोग बाद में आएंगे, कुछ लोग इधर मदीना में आ जाएंगे, तो कुछ लोग मक्का में आ रहेंगे, और फिर वहाँ से फ़्लाइट जाएगी जद्दा से, और कुछ लोगों की मदीना से जाएगी। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आप लोगों को हज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, टाइम बाई टाइम मैं वीडियोज़ भी अपडेट करता रहा, और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पर हैं भी, और आप बाद में भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं अब क्योंकि सऊदी अरबिया में रहता हूँ, तो टाइम बाई टाइम और भी इंशाल्लाह वीडियोस इस्लाम से रिलेटेड डालता रहूँगा। तो अगर आप चाहें तो मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखिए, और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मैं आगे भी आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।